सत्तर सत्तर साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसे तगड़े तगड़े लोग इसको सफल न हो इसके लिए सब कुछ करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और किसी ने भी ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। जिससे जो हुआ वो सब करने की कोशिश की है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते दोस्तों। और देश कभी हार नहीं सकता है दोस्तों, 125 करोड़ का देश कभी पराजित नहीं हो सकता है, ऐसे मुट्ठी भर लोगों से देश कभी झुक नहीं सकता है। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोल सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। कैसे कैसे लोग जाल में फंस रहे हैं, एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम, अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। मेरे देशवासियों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है। आगे भी जितने दिन बाकी हैं, जो भी तकलीफ आएगी देश झेलने के लिए तैयार है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और भाइयों बहनों, 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना चाहता हूं, संभल जाइए, लौट आइए, देश के कानून को स्वीकार कीजिए, नियमों को मानिए और हर नागरिक की तरह आप भी सुखचैन की जिंदगी जीने के लिए आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ये सरकार आपको तबाह करने पर तुली नहीं है, ये सरकार आपको फांसी पर लटकाने के लिए तुली नहीं है, लेकिन गरीबों के जो हक का है वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। और कोई मानता है कि पहले की तरह कोई रास्ता खोज करके निकल जाएगा तो आपने गलत सोचा है। आपको पता होना चाहिए सरकार बदल चुकी है, आपको पता होना चाहिए 30 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान की जनता ने भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए सरकार बनाई है और वो काम ये सरकार करके रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है।
देश की भलाई के लिए ये स्वच्छता का अभियान है। देश की भलाई के लिए साफ सुथरा सार्वजनिक जीवन हो, साफ सुथरा प्रशासन हो, विश्वास का वातावरण हो, देश के हर निर्णय की नियमों की कीमत होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। भाइयों बहनों, के कोटि कोटि लोगों को सहन करना पड़ता है। भाइयों बहनों, अगर उनको मोदी का डर न लगता हो, बेईमानों को तो न लगे। सरकार का डर नहीं लगता है, न लगे, लेकिन बेईमान लोगों, इन सवा सौ करोड़ देशवासियों के मिजाज को कभी कम मत किए, उससे तो आपको डरना ही पड़ेगा। सवा सौ करोड़ देशवासियों का मिजाज बदला है, वे अन्याय सहने को तैयार नहीं है, बेईमानी सहने को तैयार नहीं है, भ्रष्टाचार स्वीकारने को तैयार नहीं है, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वो सेनापति बनकर के निकले हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, लड़ाई जीतने के लिए आप लोगों ने मुझे जो साथ और सहयोग दिया है, मैं आज इस मुंबई की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव स्मारक के निर्माण के अवसर पर, उसका शुभारंभ हो रहा है, उस पल पर देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम लड़ाई जीतेंगे नहीं।